हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग 2 बजे स्टार्ट हो रहा है और मैं अभी 1 बजे कोचिंग से आई थी और मम्मी अब आई 2 बजे। आगे मम्मी ने देखते क्या बनाया है। आज चल जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले दिखाती हूँ क्या बनाया आज मम्मी ने। इसमें ये दादी ने करौंदे बनाए हैं, इसमें रोटी है और आज तोरी की सब्जी बनाई है मम्मी ने। और ये आम जो खाएगा वो खा लेगा। और यहाँ के रायता बनाया चौक वाला। और ये बैठे हमारी मम्मी। गाइस, ये पहले आपको दिखाएंगे फिर हमने खाना खिलाया। अभी पापा भी ना आए। हेलो फ्रेंड्स, शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी सो के उठ के आई हूँ। फिर मैंने किचन थोड़ा क्लीन किया और दूध गैस पे रखा मैंने। उसके बाद अभी मम्मी पापा सो ही रहे हैं, अभी उठेंगे 10-15 मिनट बाद मैं उठाऊंगी उनको। और अब मैं पौधों में पानी डालूँगी। पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैं फेस वॉश करके 5:30 या 5:30 बजे मैं रील्स बनाऊँगी। फिर उसके बाद चाय 6 बजे तक चाय लेके जाऊँगी या 6:30। फिर मैं जब भी मतलब चाय दे के आ जाऊँगी या किसी को बोल दूँगी, माँ को या माँ किसी को भी, कि चाय लेके चले जाना। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी। फिर उसके बाद देखते क्या करते हैं या बीच में और कुछ काम करने लग जाए। अब मैं पौधों में पानी डालूँगी। कल टैंकर आया था, वैसे तो गीली मिट्टी है पर थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। जिसमें ज़रूरत नहीं उसमें नहीं डाल रही हूँ, ऐसे सब में डाल रही हूँ। ये मिर्च का पेड़ तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। 6:30 हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। ये देख, कोई नहीं अपनी छत पे। मैंने अभी पूजा करी है। ये देख, लड्डू मंदिर में बैठा है, ये बैठा। अंधेरा सा हो गया थोड़ा। ये देखो बारिश यहाँ दिख रही है।
4:30 बजे मैंने पानी डाल दिया था पौधों में। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सो गाइस, आज लड्डू के लिए और माँ के लिए दूध जलेबी है, एंड मोम हमारे लिए पोहे बना रहे हैं। देखो अब गाइस इनके लिए पोहा बन रहे हैं, इनको पोहा खाना है। रोटी भी बनेगी, पोहा भी बनेगा, दोनों चीज बनेगी। और बारिश आई थी अभी, अभी तो बंद है, फिर से आ सकती है।